ये देखिए इस सुंदर स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए यकीन मानिए मैंने गैस तक नहीं जलाई है, और वो भी बिना मावा खोया, बिना घी, बिना चाशनी के। गारंटी है मेरी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किचन दौड़ जाएंगे और तुरंत से बनाएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी, जो आपने आज से पहले ना कभी बनाई होगी और ना खाई होगी। कोई कुकिंग नहीं करनी और इतनी स्वादिष्ट ये मिठाई बनती है, मेरी गारंटी है कि आपके सारे मेहमान, आपका परिवार सब आपके फैन हो जाएंगे जब आप ये मिठाई बनाएंगे। और अगर आपने मिठाई ये अभी बनाई तो इतनी जबरदस्त टेस्टी है ये मिठाई की दिवाली से पहले ही खत्म हो जाएगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेस्टी इंस्टेंट मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चीनी। तो यहाँ पर ये मैंने आधा कप चीनी ली है। अब मेजरमेंट के लिए कोई भी घर का कप ले लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए, बहुत आसान होता है इस तरह से किसी भी मिठाई के लिए माप लेना, कोई गलती नहीं होगी। और आज की ये जो मिठाई है, मैं उन सभी को डेडिकेट करती हूँ जिन्हें मिठाई बनाने से डर लगता है या फिर वो सोचते हैं कि कहीं सामान खराब ना हो जाए, डांट ना पड़ जाए। इस मिठाई को कोई भी बना सकता है और जो टेस्ट है ना आपके लिए सब लोग तालियां बजाएं तो कहिएगा। तो यहाँ पर आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में ये आधा कप चीनी हम यहीं डाल देंगे। साथ में लेंगे 2 से 3 इलायची, वो भी साबुत ही डाल दीजिए, क्योंकि जब चीनी पिसेगी तो ये बिल्कुल पिस जाएंगी, पता भी नहीं चलेगी। चाहे तो आप पिसा हुआ पाउडर हो तो वो डाल लीजिएगा। अच्छी तरीके से इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से चीनी पिस गई। और बताइए इलायची दिख रही है? नहीं ना, एकदम बढ़िया से पिस गई है। तो आज की इस मिठाई बनाने में आपको कोई ज्यादा काम नहीं फैलेगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, फेल होने का डर नहीं है, गैस को जलाना ही नहीं है। और इंस्टेंट मलाई रोल बनाने के लिए जो नेक्स्ट चीज जाएगी वो है पनीर। तो पनीर के लिए भी आपको छेना वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा और काम एकदम इंस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो बाजार वाले पनीर वाले ब्लॉक आते हैं ना, सिंपल मैंने यही ले लिया है जिससे ज्यादा काम ना फैले। वैसे ही दिवाली के वक्त बहुत काम भी होते हैं घर में। तो ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, बिल्कुल इस तरह। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं लाइक करें तो ना डालिए। मैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाए अच्छा भी लगता है टेस्ट में, इसलिए डाल रही हूँ। अब बगैर इसके भी बना सकते हैं। सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरह। चीनी मैंने इसीलिए पहले पीसी जिससे मिक्सी चलाने में आपको परेशानी ना हो। एक दो बार पल्स पर आप रुक रुक कर चलाएंगे ना तो इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाथ से रगड़ने की या कुछ भी करने की। अब जो नेक्स्ट चीज जाएगी जो बनाएगी हमारे मलाई रोल को जबरदस्त टेस्टी और पूरी मार्केट स्टाइल, और वो है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने देखी जिस कप से आपने चीनी ली थी उसी कप या कटोरी से आप 1 कप मिल्क पाउडर लें। दूध का पाउडर जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होते हैं वो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं सब चीजें, या फिर जो मार्केट में पाउचेस वगैरह मिलते हैं ना, चाहे तो वो ले लीजिए, क्योंकि हमें एनीवेज कोई कुकिंग नहीं करनी है तो आप कोई भी मिल्क पाउडर यहाँ डाल सकते हैं। बस यहीं पर इसमें हम डाल देंगे बारीक किए हुए थोड़े से पिस्ता, लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब। इन दिनों जब दिवाली या त्योहार का टाइम होता है तो बाजार में बहुत ही मिलावटी मिठाई मिलती है, बहुत बहुत डबल डबल दाम पर मिठाई मिलती है। उससे अच्छा ये कि घर में ही बना लें। और अभी तो लाइन से त्योहार है, छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन, छठ पूजा, तो बार बार बाजार जाने से बढ़िया है क्यों ना घर में ही और किफायत में और अपने हाथ की शुद्ध मिठाइयां तैयार करें। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद तो मैं यहाँ डाल रही हूँ ये केसर वाला दूध, जो इस जबरदस्त मलाई रोल को बनाएगी रस मलाई रोल। आ गया ना नाम सुनते ही मुंह में पानी, या फिर आप बोल सकते हैं केसर कलाकंद रोल। बिल्कुल आपको इसमें रस मलाई, कलाकंद सबका टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने ये नाम रखा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका नाम मलाई रोल रखे, केसर कलाकंद रोल रखे या रस मलाई रोल रखे। मैंने क्या किया, 1/4 कप गर्म दूध में केसर के कुछ धागों को पहले ही भिगो कर रख दिया था, जिससे ना इतना प्यारा सा इसमें देखिए कलर आ गया, बहुत ही बढ़िया। चाहे तो आप यहाँ पर केसर फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये रस मलाई रोल बना रहे हैं जो बिल्कुल खाने में रस मलाई भी लगेंगे, देखने में भी वही लुक आएगा। बिल्कुल बढ़िया से इसको मसल मसल कर एकदम स्मूथ इसका डो तैयार करेंगे। यदि आपको दूध की मात्रा कम लगे तो थोड़ा सा दूध और डाल लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर वो अमूल फ्रेश क्रीम होती है ना जिससे फ्रूट क्रीम बनाते हैं वो रखी हो तो थोड़ी क्रीम भी डाल सकते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट डो तैयार हो गया है हमारी मिठाई का। तो बस इसको इस तरह से एक प्लेटफॉर्म या चकले पर रखेंगे और बस घुमाते हुए रोल बना लेंगे, बहुत ही आसान और एकदम फटाफट होगा ये काम।
अब आप लीजिए एक बटर पेपर या कोई फॉइल पेपर ले लीजिए या प्लास्टिक शीट और उस पर इस तरह रखिए, थोड़ा सा इसे इवन कर लेंगे घुमा करके। अब ये हम बना रहे हैं रसमलाई रोल, तो भाई इस पर पिस्ता का जाना तो बिल्कुल बनता है। मैं यहाँ डाल रही हूँ ये बारीक किए हुए पिस्ता, बस इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, लगना चाहिए ना कि रसमलाई रोल बनाया है। ये देखिए लग रहा है ना कितने सुंदर। और बस धीरे धीरे इस तरह से बटर पेपर को पकड़ते हुए ना घुमा लेंगे, बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। अगर आप ये ना लगाना चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं, सिंपल चांदी का वर्क लगा सकते हैं या फिर इसको नारियल के बुरादे से भी कोट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से पिस्ता चिपक गया, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा ये ना मैं रोल बना रही हूँ क्योंकि त्योहार के लिए बना रही हूँ, सुंदर दिखने वाली मिठाई भी होनी चाहिए ना। आप चाहें तो इसको बर्फी की तरह जमा लीजिए, लड्डू बना लीजिए तो वो रसमलाई लड्डू हो जाएंगे। और बस इस तरह से इसको बटर पेपर में वापस से रोल करके सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे सिर्फ 6-7 मिनट के लिए, उसमें ये बढ़िया सेट हो जाएगा। तो हम जब काटेंगे ना तो एकदम समान पीसेस कट जाएंगे, इवन पूरे फिनिश लुक के साथ। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में और लीजिए लगभग 5-6 मिनट हो गए थे, रोल को वापस निकालेंगे, परफेक्ट बने हैं ना एकदम परफेक्ट ये देखिए। और बस धीरे धीरे इस तरह से मीडियम थिकनेस का इसको कट कर लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह, वाह बहुत सुंदर। अब आप इसका टेक्सचर देखिए, ये दरदरा टेक्सचर। अरे हाँ मैं इसमें ना चांदी का वर्क लगाना भूल गई आपसे बात करते करते, तो बस थोड़ा सा ये चांदी का वर्क इस तरह से हल्का हल्का सा लगा देंगे, ऑप्शनल है, मैं दिवाली की वजह से लगा रही हूँ। और इस पर जब ये चांदी का वर्क लगेगा ना तो एकदम वही लुक आएगा रसमलाई और कलाकंद वाला, ये देखिए वाह कितनी सुंदर दिख रही है। और सिर्फ दिख नहीं रही है, खाने में तो जबरदस्त है। और थोड़े से डालियो ये सूखे वाले गुलाब के पेटल्स, गुलाब की पत्तियों को थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, फटाफट से ये इस तरह करारी सी बन जाती हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर, मक्खन जैसे नरम, मुंह में रखो और गुल जाएं, खाएं तो लगे जैसे रसमलाई या कलाकंद खा रहे हो। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी मिनटों में तैयार होने वाली बिना गैस जलाए इंस्टेंट मुंह में घुल जाने वाले रस मलाई रोल और कलाकंद रोल या फिर केसर कलाकंद रोल, जो नाम रखना चाहे वो रखिए, क्योंकि ये मिठाई इतनी टेस्टी है कि आप भूल जाएंगे रस मलाई वगैरह। और इस तरह से बना करके आप एयरटाइट बॉक्स में इसको 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल जल्दी खराब नहीं होंगे, यानी दिवाली के लिए आप अभी से बनाकर इन्हें रख सकते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है ये दिवाली से पहले ही खत्म हो जाएगी, ऐसी है ये मिठाई। और जब ऐसे सर्व करेंगे तो त्योहार में भी चार चांद लग जाएंगे, सभी पूछेंगे आपने कैसे बनाई। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी।